नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष चौधरी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और आप लोग देख रहे हैं आशु फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है और आपका अगर एक भी स्टेप वेरीफाई नहीं हुआ है, काफ़ी दिन हो गए हैं, 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, 15 दिन 20 दिन हो गए हैं और आपका एक भी स्टेप वेरीफाई नहीं हुआ, तो आपको क्या स्टेप उठाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए, और क्या इसका प्रोसेस है जल्दी जो है वेरीफिकेशन किस प्रकार से हम करवा सकते हैं। दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बगल में दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबा लें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इनका रजिस्ट्रेशन किए हुए लगभग 5 से 6 महीने हो जा रहा है। इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, काफ़ी मैसेज किया, तो मैंने सोचा एक वीडियो भी बना दूँ, और इनको सोल्यूशन तो मैंने बता दिया है। तो इनका देखिए, 5 से 6 महीने हो गया रजिस्ट्रेशन किए हुए, इनका क्वेरी के ऊपर क्वेरी आती जा रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का प्रोसेस अभी भी नहीं हुआ है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन एक भी टिक इसमें नहीं लगा है। इसमें देखिए, क्वेरी के ऊपर क्वेरी रेज होते जा रही है। देखिए नेक्स्ट इन्होंने भेजा है, कितनी सारी क्वेरियाँ रेज हुई हैं इन्होंने, कई बार इनरोलमेंट नंबर, कई बार मार्कशीट मिसमैच, इस प्रकार से जो है क्वेरी इन्होंने लिख दिया है। देखिए, फिल योर करेक्ट रोल नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर एज पर स्पेशल बैक मार्कशीट, ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वेरी रेज डन, इन्होंने रिस्पांस किया है, सबमिट बाय मी, प्लीज़ चेक, थैंक यू सो मच सर। तो नेक्स्ट क्वेरी फिर आई है, फिल योर करेक्ट रोल नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर एज पर स्पेशल बैक मार्कशीट, सेम क्वेरी बार बार रेज हो रही है। तो दोस्तों, इनके लिए मैंने सोल्यूशन बताया है कि आप जो है अपना सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के PCI ऑफिस आप विजिट करिए, उसके बाद आप जो है अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाएंगे, मैच कराएंगे कि सर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं, और उस चीज़ को PCI ऑफिस के जो मेंबर्स हैं उसको देखेंगे, और आपके जो वो समाधान जल्द से जल्द कर देंगे। तो आपको जो है अगर इस प्रकार से इतने दिन हो गया है, तो आप PCI ऑफिस ज़रूर विजिट करें, और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उसको आप अवश्य लेकर के जाएँ। तो दोस्तों, और अगर आपका 2 से 3 महीने हो गया है रजिस्ट्रेशन किए हुए, अगर कोई क्वेरी रेज हो रही है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी एक भी स्टेप वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपको जो है अपना डैशबोर्ड चेक करते रहना चाहिए कि कोई क्वेरी तो नहीं रेज हुई है। अगर क्वेरी रेज हुई है तो टाइमली उसको 3 से 4 दिन के अंदर उस क्वेरी का जो है रिस्पांस आपको कर देना चाहिए, क्योंकि जितने जल्दी आप क्वेरी का रिस्पांस करेंगे, उसको व्यूज करके, उसको वेरीफाई करके जो है उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया जाता है, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई जितनी जल्दी हो जाता है, अगर ऊपर से 3 स्टेप जल्द से जल्द वेरीफाई हो जा रहा है, तो आपका ग्रीन कार्ड आने में 10 से 15 दिन का टाइम ही लगने वाला है। तो आप लोग कोशिश करें कि क्वेरी अगर आए तो तुरंत उसको रजिस्टर करें, तो आप लोग कोशिश करें क्वेरी अगर आए तो उसको आप तुरंत जो है उसका रिस्पांस करने की कोशिश करें, ताकि जल्द से जल्द आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ग्रीन कार्ड जनरेट हो जाए, और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जल्द से जल्द बन सकें। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और हाँ, चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और बगल में दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में मेरे इस चैनल को शेयर अवश्य करिए, मेरे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य लोगों को ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।